हिजबुल्ला सरगना हसन नसरल्ला की मौत को लेकर मुस्लिम समाज आपस में बट गया है। कई जगहों पर गम और गुस्से का इजहार किया गया तो कई जगहें ऐसी भी थी जहां खुशियां मनाई गई। इतना ही नहीं, लोगों ने मिठाइयां बांटी, डांस कर जश्न मनाया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर मुस्लिम समाज इस मुद्दे पर कैसे बट गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के तगड़े हमले में हिजबुल्ला की 64 वर्षीय प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत पर मुस्लिम समाज से दो तरह की प्रतिक्रियाएं दी। एक तरफ समुदाय का एक बड़ा हिस्सा हसन नसरल्ला की हत्या से काफी आक्रोशित था तो अपना गुस्सा सड़क पर आकर दिखा रहा था। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी वर्ग था जिसने पूरी घटना का जश्न मनाया। हिजबुल्ला सरगना की मौत पर भारत में भी प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन खास तौर पर कश्मीर में दिखा। प्रदर्शन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने नसरल्ला की मौत पर शोक जताने के लिए अपना चुनाव अभियान एक दिन के लिए रोक दिया। कश्मीर की सड़कों पर इसराइल और अमेरिकी विरोधी नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्ला नेता की तस्वीर के साथ सड़कों पर मार्च किया। ईरान में भी इसी तरह के विरोध देखे गए। इन सब के बीच मुस्लिम समाज का एक ऐसा वर्ग भी था जिसने हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत का जश्न मनाया। नसरल्ला और उसके लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्ला के वर्षों के किए गए अत्याचारों से पीड़ित लोगों ने नाच गाकर और सड़कों पर उतरकर मौत का जश्न मनाया। कई जगहों पर तो मिठाइयां बांटी गई तो कई लोगों ने कारों के हॉर्न बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हसन नसरल्ला की मौत पर मुस्लिम समुदाय इतना विभाजित क्यों है? इस विभाजन की जड़ क्या है?